देखिए, ओवैसी साहब राजनेता हैं, ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं और उनको समझ भी लेनी चाहिए। भाजपा सरकार है, केंद्र की सरकार, उसे हमेशा से ही अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया से दिक्कत रही थी। असदुद्दीन ओवैसी अपने स्पीच में कहते हैं हर जगह पे कि हम आएंगे तो गरीबी दूर करेंगे वो हम। बोलते हैं उनका बहुजन से कोई लेना देना नहीं, वो खाली पैसे के पुजारी लोग हैं। वो लोग मुसलमानों की इस आइडेंटिटी पर हमलावर हैं। सिख धर्म के मानने वालों को एससी का रिजर्वेशन दे सकते हो, बौद्ध धर्म के मानने वालों को एससी का रिजर्वेशन दे सकते हो, तो मुसलमानों से ऐसा कौन सा बैर है? एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, यही चीज़ तो शायद असदुद्दीन ओवैसी अपने स्पीच में कहते हैं हर जगह पे कि हम आएंगे तो गरीबी दूर करेंगे हम, बच्चों को एजुकेशन दिलाएंगे, जो हैदराबाद में तमाम एग्जाम्पल वो देते हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया है। देखिए, ओवैसी साहब राजनेता हैं, ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं और उनको समझ भी लेनी चाहिए। वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, तो उनकी जो पॉलिटिक्स है उनको अपनी पॉलिटिक्स सोशल सर्विस की तरह नहीं, उनको राजनेता की तरह करनी चाहिए। मुसलमानों के लड़कों को सोशली या एजुकेशनली रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा, इसकी बात को पार्लियामेंट में उठाए, ठीक है? इसके लिए जो उनके पास विधायक हैं, पार्षद हैं, उनके थ्रू उसको वोकली करें। कुछ जगह पर जब वो एग्जाम्पल सेट कर देंगे ना, तो उस एग्जाम्पल की बुनियाद पर बाकी लोगों को बोल सकते हैं कि हमने वहाँ पर ये किया था, अब इस बुनियाद पर आप दे सकते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता की तरह नहीं बिहेव कर सकते। अरे, हमें विधायक ही नहीं चाहिए, हमें सांसद ही नहीं चाहिए, हम तो समाज में इंकलाब लाने आए। आप राजनेता हो, आपको विधायक भी चाहिए, सांसद भी चाहिए, पार्षद भी बनाने, मेयर भी बनाने, कॉरपोरेटर भी बनाने। सोशल जो रेवोल्यूशन का काम है ना, वो सामाजिक कार्यकर्ता, जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके हिस्से का है, उनके लिए छोड़ दीजिए। आप प्योरली राजनेता, अपने राजनेता वाला काम करिए। आखिरी सवाल होगा मेरा कि जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि ये विवाद तो है नहीं। पहली बात, अलीगढ़ के मामले में समझ लीजिए कि जो भाजपा सरकार है, केंद्र की सरकार, उसे हमेशा से ही अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया से दिक्कत रही थी, ठीक है। माइनॉरिटी उसके स्टेटस से दिक्कत रही। इन्होंने आने के बाद उसे ख़त्म किया, और 2005 में जो केस चला था उसमें उस पर स्टे भी लग चुका था। अब मामला क्या है कि मुसलमानों के पास जब गिनती के दो चार इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भी कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी जो अपने आप को कि बहुजन बहुजन हाँ, समाज से तो कहते जो किसी अपने आप को बोलते हैं, उनका बहुजन से कोई लेना देना नहीं, वो खाली पैसे के पुजारी लोग हैं, वो लोग मुसलमानों की इस आइडेंटिटी पर हमलावर हैं। तो उन लोगों के लिए यही है कि आपको जो पैसे दे रहा है ना, उस पैसे के आपको जितनी माला जपनी है जपिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों के ऐतिहासिक धरोहरों, खासतौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर अगर आप सवाल उठाएंगे, तो पलट के 10 सवाल आपसे भी किए जाएंगे, जिसके जवाब आपको देने भारी पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि मुसलमानों का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उससे पहले तो मुस्लिम हटा देना चाहिए, फिर वो उसे ओपन कर देना चाहिए, तो भाई आप बताइए ना। आप ही लोग तो कहते थे, यही दिलीप मंडल कहते थे कि भैया हमें मुसलमान दलित हैं, उनके अंदर फला फला कैटेगरियाँ दलितों से भी पीछे हैं, उन्हीं की सबकास्ट हैं। तो भाई, आप उनकी हिमायत के लिए ऐसी रिजर्वेशन पर आप खामोशी इख्तियार कर लेते हो, एकदम विरोध में उतर जाते हो। आप तब कहाँ थे जब परिसीमन के नाम पे मुस्लिम सीटों को आरक्षित कर दिया गया था? इन मुद्दों पर आपकी खामोशी है। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच लेकिन है, अलीगढ़ में SC ST वो चाहिए। करिए ना, मैं कह रहा हूँ चलिए कर दीजिए, वहाँ पर भी कर दीजिए, पर यही सेम चीज़ आप अप्लाई करिए बाकी जगह पर। राजनीति में नहीं करना चाह रहे मुसलमान। अगर आप सिख धर्म के मानने वालों को एससी का रिजर्वेशन दे सकते हो, बौद्ध धर्म के मानने वालों को एससी का रिजर्वेशन दे सकते हो, तो मुसलमानों से ऐसा कौन सा बैर है? जबकि अगर आप कहते हो कि इन बाकी जो धर्म है, हिंदू धर्म को छोड़कर, उनमें जो बुनियाद है वो समानता है, मुसलमानों में कोई ऊंच नीच का मामला नहीं, तो यही बुनियाद तो सिख धर्म में भी है। वो तो यही सबको दूर करने के लिए अस्तित्व में आया था। बौद्ध धर्म में भी यही सेम चीज़ है। तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है ना आपकी, ये सीधे तौर पे जाहिर करता है कि आप किसी के हाथों की कठपुतली हैं, वो जैसा आपको नचा रहा है वैसे नाच रहे हैं। मुसलमान अपनी चीज़ों के लिए बहुत केयरफुल है। मैं पर्सनली कहता हूँ कि मुझे अपनी ऐतिहासिक धरोहरों, खासतौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर मान है, गर्व है, और मैं उनकी रक्षा के लिए, उसके स्टेटस के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। अब चाहे आप उसकी कानूनी बात करिए, चाहे सोशल बात करिए, किसी भी तरीके से। तो मुसलमान ये तो नहीं बर्दाश्त करेगा कि आप उसके गिनती के कुछ जो स्टेटस हैं या गिनती के जो शिक्षण संस्थान हैं उनको भी ख़त्म करने की बात करी। अब इसमें ही अगर वो कहते कि रिजर्वेशन है, एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर OBC का रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ लागू करवाइए ना। तो इनके असल में सारे हथकंडे बड़े सिलेक्टिव है होते हैं। और दूसरी बात कि 3 लोग हैं, गिन के नाम भी मैं चाहे तो आपको बता दूंगा। कौन है बता दीजिए।
तीन ही लोग, दिलीप मंडल है, नितिन मेश्राम है और एक इनका दोस्त है जो बाहर बैठा है, अरविंद कुमार। ये तीनों लोग आपस में ही इंटरव्यू करते हैं, आपस में ही मुद्दा बनाते हैं, एक दूसरे को इंटरव्यू देते हैं, एक दूसरे को ट्वीट कर देते हैं, एक दूसरे को कोट ट्वीट कर देते हैं, और इनको लगता है कि बहुत बड़े बुद्धिजीवी है। यकीन मानिए, इनका ना मुसलमानों से कोई हमदर्दी है, जिस दलित समाज के हितैषी बनते हैं उस दलित समाज का इनसे ज़्यादा कोई बड़ा नुकसान कोई नहीं करता। ओबीसी के तो खैर ये खैर खुआ है ही नहीं, ओबीसी को ये चाहते हैं कैसे भी करके वो भाजपा के हाथों में चला जाए। कई मुद्दे पर तो वो अपनी राय रखे हैं मुसलमानों के सपोर्ट में, दिलीप मंडल। देखिए, उस व्यक्ति की जो राय है ना, वो पैसा देखकर पल भर में पलट जाती है। वो व्यक्ति आज से साल भर पहले, मतलब ये फरवरी चल रहा है, पिछले फरवरी में वो व्यक्ति मुसलमानों को कहता था कि मुसलमानों को मॉरली उनकी कंडीशन ऐसी है कि उन्हें मॉरली ऐसी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्या बात हुई कि तुम 6 महीने में अपनी बात से पलट गए। इसी तरीके से यही वो बंदा था जिसका आपको द प्रिंट में आर्टिकल मिल जाएगा, जिसने हिमायत की थी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है एससी और एसटी सीटों को रिजर्व करने का, उसको तत्काल ख़त्म कर देना चाहिए। आज वो बड़ा हितैषी बना घूम रहा है। तो इनकी बातें खुद ही नहीं इनको पता होता है कि सुबह में जो बोल रहा है शाम तक उससे पलट जाएंगे। तो ऐसे लोगों का समाज में कोई स्वीकारता नहीं है, ऐसे लोग सिर्फ भ्रामक चीज़ें करते हैं। तो इनसे मुझे लगता है कि इनको धुतकार के साइड कर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।